अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अली, मिस्त्री आमिर अली। आज हम आपको बताएंगे कि प्लास्टर किस तरह सही तरीके से प्लास्टर और साफ़ सुथरा प्लास्टर किस तरह से किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पीछे हमने प्लास्टर किया, इस टाइम हम वर्क साइट पर ही मौजूद हैं और पीछे मिस्त्री भी लगा हुआ है, प्लास्टर की तैयारी कर रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि प्लास्टर किस तरह किया जाता है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हम सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी ये देखें, आपको दिखाते हैं कि कौन से औज़ार हम प्लास्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ये कांडी, ये बहुत ही एक आम सी चीज़ है, हर आदमी को पता होगा कि किस लिए इस्तेमाल होती है। मसाला उठाने के लिए और नॉर्मली वर्क के लिए इस्तेमाल होती है। ये है गरमाला, ये है फोम का गरमाला। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, मगर इससे जो ज़्यादा बेहतर है वो ये है लकड़ी का गरमाला। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो लकड़ी का गरमाला ये बिल्कुल हार्ड होता है और जब इसे प्लास्टर पे फेरा जाता है तो ये प्लास्टर के अंदर यानी कि डलक नहीं डालता। डलक मीन्स इसे प्लास्टर ऊंचा नीचा नहीं होता, साफ़ सुथरी फटी फ्री हो, बिल्कुल लेवल में हो तो ये सही चलता है। उसके अलावा ये जो है ये नरम होता है और जिसकी वजह से ये प्लास्टर के अंदर खड्डे डालता है, मगर ये भी अगर कोई फेरने वाला कारीगर हो तो यानी कि सही तरीके से फिर जाता है। ये देखें, इसे गरमाली कहा जाता है और ये जो छोटे मोटे काम के लिए है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोना आपने बनाना है, कोई तार आपने लगानी है, उसके लिए ये इस्तेमाल होती है और ये बड़ी कारामद होती है उसके लिए, क्योंकि छोटी जगह पे बड़ा गरमाला नहीं चल सकता, ना ये ना ये, इसलिए ये इसका छोटा साइज़ बनाया हुआ गरमाली। और ये है हमारा एलुमिनियम का राड जिससे के प्लास्टर सीधा किया जाता है। ये देखें, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सीधा, 100% सीधा, ये इसे प्लास्टर के ऊपर फेरा जाता है जिससे प्लास्टर बिल्कुल सीधा होता है। जी प्लास्टर शुरू करने लगे हैं, ये अभी हमारा मिस्त्री साहब जो है ये छाप मार रहे हैं। Okay, yeah.
जनाब प्लस्तर हमारा तैयार है, सिर्फ फिनिशिंग टच दी जा रही है, देख सकते हैं आप। फटा पीछे कर, फटा पीछे कर, फटा पीछे कर, तब तो पीछे करना पड़ेगा। ओड़ी का, ओड़ी में चले जाओ। अच्छा। मैं काम खराब किया है।